ये देखिए क्या दीवानगी है इनके छोले कुलचों की, सबसे बेस्ट छोले भटूरे आपको यहीं मिलेंगे। इनसे पहले एक और खड़ा होता है, वो इनके नाम का चलाता है, लेकिन उस पर कोई नहीं आता, सब यहीं आते हैं। घर से तो नाशा करके आते हैं, फिर भी खाते हैं। फिर भी खाते हो? फिर भी खाते। क्या बात है। 4-5 साल से आ रहा हूँ मैं, लेकिन इनके छोले भटूरे बहुत स्वाद है। अच्छा। और रेट भी जायज है। गाइस आपने बहुत बड़े बड़ी जगहों पे जाके छोले भटूरे खाए होंगे, बड़े बड़े ढाबों पे आप गए होंगे, रेस्टोरेंट में गए होंगे, लेकिन ऐसा सेटअप ना आपने शायद पूरे इंडिया में कहीं नहीं देखा होगा, सिर्फ महेश्वरी जी के पास मिलेगा। पूरी साइकिल का मैं आपको टूर कराने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ कहाँ कहाँ पे क्या क्या सेटअप है, कैसे इन्होंने अपनी इस साइकिल को सजा के रखा हुआ है और कैसे लोग दीवाने हैं इनके इस स्वाद के। शुरुआत आप यहाँ आइए और देखिए किस तरीके से पूरी कुल्लर की यहाँ पे इन्होंने प्लेट्स रखी हुई है। ये देखिए ये कुल्लर की प्लेट है, इसी के अंदर आपको छोले और भटूरे या चावल छोले और छोले और साथ में राजमा चावल सर्व किए जाते हैं। उसके साथ ये देखो भाई, ये देखो भाई ये कितने किलो की होगी जी, कम से कम 25 किलो की कम से कम यहाँ पे ये डोलची है इनकी, जिसके अंदर ये रायता लेके आते हैं, ठंडा ठंडा रायता लेके आते हैं, और मात्र 10 रुपये का गिलास है जी, मात्र 10 रुपये का ये गिलास है। डोलची 25 लीटर की है ये भाई, बहुत बड़ी। इसके अलावा और भी होती जी, इतनी है, इतनी 25 लीटर की रायते की डोलची। उसके साथ मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये जो पिटारा आप देख रहे हो ना, इसे खोल के दिखाओ जी। ये पिटारे के अंदर है खजाना, और खजाना है ये भटूरों का, जो कि अपने घर से तैयार करके लेके आते हैं। पेपर भटूरा, ये देखो मैं आपको एक भटूरा उठा के दिखाऊँ, बिल्कुल पेपर की तरह बहुत ज़्यादा पतला ये भटूरा है, और ये अगर एक आप लेते हैं तो 30 रुपये का है। मुझे याद है ऐसा भटूरा मैंने अमृतसर में खाया था, वहाँ पे भी 20 रुपये के दो, अमृतसर में वो अपना एक गेट है लोगढ़ गेट, उसके बाहर खाया था जी। ये 30 रुपये का यहाँ पे एक मिलते हैं, 50 रुपये के दो। कितने भटूरे बनाते हैं जी लगभग? यहाँ के भी 100 प्लेट आते हैं, 100 प्लेट भटूरे लेके आते हैं। ये भटूरे हैं, अब आओ आपको दिखाता हूँ छोले कैसे। देखो जी आपने देख लिए भटूरे, आपने देख लिया रायता, और ये अब जरा रंगत चेकआउट करो। ये है जी बहुत स्पेशल पंजाबी छोले, इसकी रंगत ये मेरे ख्याल से खड़े मसालों के साथ तैयार किया जाता है जी, खड़े मसालों के साथ तैयार किए हुए हैं, खुशबू बहुत ज़्यादा लाजवाब आ रही है, पूरा पतीला भर के लेके आते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया ना, 4 बजते हैं घड़ी में, लोग आ जाते हैं, इंतज़ार करते हैं इनके आने का, और जब ही आते हैं बस ऐसे फिर लोग आना शुरू हो जाते हैं, भीड़ लगनी शुरू हो जाती है छोले भटूरे खाने के लिए, छोले चावल और रात में राजमा चावल खाने के लिए। इतने सस्ते दाम में बहुत बेहतरीन स्वाद सिर्फ यही मिलेगा। अब दिखाता हूँ जी नेक्स्ट स्टेप, वो है जी ये भटूरे। तो भटूरे के लिए यहाँ पे इन्होंने एक सेटअप बिठा के रखा है, नीचे रखा हुआ है जी ये सिलेंडर, जिसके ऊपर है ये तवा, और तवे के ऊपर आपको कुलचे को सेक के दिया जाता है या भटूरों को सेक के दिया जाता है। नीचे देखिए ये हो रहे हैं गर्म कुलचे, और यहाँ पे ये है जी भटूरा। तो भटूरा लें, कुलचे लें, चॉइस आपकी है। उसके साथ ये देखो, ये है इनका अचार जो कि आपको सर्व किया जाता है, ये है जी मिक्स अचार, और ये बहुत एक बढ़िया क्वालिटी का अचार इस्तेमाल करते हैं, मिक्स वेजिटेबल का अचार, जिसमें आम भी है, साथ में नींबू भी है, मिर्ची भी है, गाजर भी है। ये देखो इसके साथ आपको यहाँ पे ये देखेंगे मिर्ची का, मिर्ची भी दी जाती है जो कि मसाले वाली मिर्ची है, मिर्ची का अचार है, और बहुत ही तगड़ा सेटअप है। देखिए जैसे जैसे 15-20 मिनट हुए हैं मुझे यहाँ पे आए हुए, वैसे वैसे लोगों की भीड़ जो है वो बढ़ती चली जा रही है, खुशबू और ज़्यादा महकती चली जा रही है, और दीवानगी छोले भटूरों की लोगों के अंदर ना और बढ़ती चली जा रही है। तो ये है जी एक स्पेशल टूर इनकी इस कार्ट का, और ये देख के अगर आपको मज़ा आ रहा है ना तो पूरी वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, हम स्वाद लेंगे इनके छोले चावल का भी, साथ में छोले भटूरे का भी, और वो ठंडे ठंडे रायते का भी। बहुत सालों से यहाँ पे इस तरीके से कार्ड लगाते हैं, कितने साल हो गए जी? बाबूजी को होगा 30 साल, मैं होगा 16 साल। अच्छा पहले बाबूजी लगाते थे, पहले बाबूजी लगा और अब आप लगा रहे हैं, तो यहाँ पे कितने बजे आ जाते हैं जी आप? 4:15 से पहले। और क्या क्या बेचते हैं जी? छोले भटूरे, छोले कुलचे, छोले चावल, राजमा चावल रहता। तो सिर्फ 4 बजे का टाइमिंग है, इससे पहले 4:15 का, 4:15 से 6:30 प्रभु की इच्छा, प्रभु की इच्छा तक भाई 4:30 से 6:30 बजे तक इनफैक्ट आपको यहाँ पे ये मिल जाएंगे। इससे पहले मतलब कहीं अगर किसी को छोले भटूरे खाने हो तो शास्त्री नगर, तो आप लगाते हैं वहाँ पे? एक से तीन अंकल पे शास्त्री नगर में, अंकल शॉप पेस्ट्री वाले बराबर, अंकल शॉप पेस्ट्री वाले हैं जी शास्त्री नगर में, वहाँ पे 1 से 3 पे आप, वहाँ की गारंटी नहीं है, यहाँ की गारंटी है। स्वाद की जी? स्वाद की तो पूरी गारंटी, स्वाद की पूरी गारंटी जी, ये स्वाद के लिए आते हैं लोग सारे। हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं मानता हूँ। तो वहाँ पे क्या क्या बेचते हैं आप शास्त्री नगर में? ये चीज है, सारा सेम चीज है। तो सेटअप यहाँ पे अलग है, वहाँ पे अलग है, बेचते ऐसी साइकिल भी है। कम से कम 300 किलो से भी ज्यादा की इनकी ये साइकिल है, जिसमें 300 किलो से भी ज्यादा का इनफैक्ट सामान ये लेके आते हैं।
छोले हैं, भटूरे हैं, रायता है, चावल हैं और सैलड है, अचार है और ये लोगों की दीवानगी है। देखिए जैसे जैसे समय घड़ी में बढ़ता जा रहा है ना, वैसे वैसे यहाँ पे लोगों की भीड़ भी बढ़ती चली जा रही है। कोई छोले भटूरे खाने आ रहा है, कोई राजमा चावल, कोई छोले चावल, और मतलब ऐसा स्वाद लोग कहते हैं आप यहाँ छोड़िए आपको शायद पूरे इंडिया में कहीं ना मिले। भाई ये है इनके सुपर हाथों का सुपर टेस्टी स्वाद। और अगर आप भी शौकीन है ना अलग तरीके के छोले भटूरे खाने के, तो एक बार ज़रूर आइएगा कैनरा बैंक में, यहाँ शक्ति नगर में, नांगिया पार्क है मेरे इधर पीछे, उसके बिल्कुल सामने ये लगाते हैं जी अपनी साइकिल 4 बजे से शाम के 6 बजे तक। जितनी जल्दी आएंगे उतना बेहतर, क्योंकि इनका सामान कब ख़त्म हो जाए ना इसका अंदाज़ा इन्हें भी नहीं है। 4-5 साल से आ रहा हूँ मैं, लेकिन इनके छोले भटूरे बहुत स्वाद है। अच्छा, और रेट भी जायज है। अच्छा, तो मतलब आप छोले भटूरे जब भी खाने मन करते हैं इनके पास आए? इनके पास ही, तब को उधर दुकान है, वहाँ नहीं जाते हम। अच्छा, वहाँ नहीं जाते। हाँ, यही लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे भी इनकी दुकान है 103, वहाँ नहीं जाते, स्पेशली यहीं पे खाने के लिए आते हैं। शायद जगह का प्रभाव कह लो या कुछ भी कह लो, लेकिन कुछ ना कुछ बात तो है। तो अंकल छोले का स्वाद कैसा लगा? बहुत बढ़िया, मजेदार। ये मेरा बेटा लेके आया था यहाँ से 2-3 साल पहले, वो जब भी आता मुझे खिला के लेके जाता है यहाँ से। अच्छा, मैं खाता एक पीस हूँ, लेकिन स्वाद के लिए खाता हूँ। घर से तो नाश्ता करके आते हैं, फिर भी खाते हैं। फिर भी खाते हो? फिर भी खाते। क्या बात है। कब से आ रहे हो जी आप? मुझे हो गए 3 साल तो हो ही गए, 3-4 साल हो गए हैं जी आते हुए। की प्लेट पहले दे दी जाती है ताकि स्वाद भरपूर आपको आता रहे, जब तक भटूरे आपके आगे आते नहीं है। और जैसे ही भटूरे आते हैं आधे छोले निपट चुके होते हैं, उसके बाद आप जितने छोले चाहें आप उनसे उतनी बारी रिफिल कराएं, आपको किसी भी चीज़ की यहाँ पे ये मनाही नहीं करते। उसके बाद आती है जी सैलेड की प्लेट, और गर्मा गर्म ये जो भटूरे हैं ना, करारे हो जाते हैं ना जब तक, पेपर वाले भटूरे, उसको तवे पे सेक के फिर आपको ये सर्व किया जाता है। अब देखिए आप कुलचे लें आप भटूरे लें, चॉइस आपकी है। और एक एक भटूरा हर किसी की प्लेट में यहाँ ये महेश्वरी जी रखते जाएंगे और गर्मा गर्म ही आपको सर्व करते चले जाएंगे। ये देखिए जी, जैसे कि मैंने आपको बताया इनकी कार्ट पे ही सब सेटिंग है जी। यहाँ से अब ये एक पतीले में से निकाल रहे हैं चावल और ये डाल रहे हैं भरपूर मात्रा में ऊपर इस कुल्हड़ के प्लेट पे। ये चावल सबसे पहले बेस पे राजमा या छोले जो भी आप लेना चाहें, और ऊपर से आते हैं जी ये चावल। देखिए कितनी सारी क्वांटिटी मात्र 50 रुपये में आपको सर्व की जाती है। और अब ऊपर से डाले जाएंगे इसमें फिर से ये छोले। और भाई रंगत एक बार आप ज़रा चेकआउट करो, कितने बेहतरीन यहाँ पे इनके ये छोले लग रहे हैं। ये है जी खड़े मसालों में छोले तैयार, जो बिना प्याज, बिना लहसुन और बिना टमाटर से बनाए जाते हैं। और ये है जी यहाँ पे राजमा चावल की प्लेट। ये देखो भाई राजमा भी उतने ही बेहतरीन है जितने इनके ये छोले चावल है। देखो, देखिए जी सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो छोले हैं आपको इस कटोरी में जो कि है यहाँ कुल्लड़ में छोले आपको सर्व किए जाते हैं, और बोलते हैं कि पहले आप छोले निपटा लीजिए, फिर भटूरे आने में थोड़ा समय लगेगा, और जितनी बार चाहें आप इनसे छोले रिफिलिंग करा सकते हैं, आपको कोई भी किसी चीज़ की मनाही नहीं है। मैंने आपको भटूरे का प्राइस बता ही दिया है, सिंगल लोगे तो 30 का है और अगर डबल लोगे तो 50 रुपये का है। गरम गरम यहाँ पे तवे पे भटूरे सेके जा रहे हैं। मैं और भैया इंतजार कर रहे हैं अपने भटूरे के लिए, तब तक छोले निपटा लेते हैं, फिर और छोले लेके फिर भटूरे खा लेंगे। अरे वाह क्या बात। देखिए जो नशा है ना वो पहले ही लगा देते हैं कि भैया आपको एक बार चस्का लग जाए फिर आप छोड़ेंगे नहीं, फिर आप कहेंगे अंकल एक नहीं दो नहीं अंकल और भटूरे बस देते जाओ। और खाली पेट आइएगा, जब भी इनके पास आइए ना लंच करके मत आइएगा, खाली पेट आइएगा ताकि आप आराम से खा सकें, तृप्ति से खा सकें, और बाद में जाके इनके जो भटूरे छोले का गुणगान है ना वो सबके अंदर फैला सकें। भाई फाइनली भटूरा आ चुका है, गर्मा गर्म भटूरा है और बहुत ही ज़्यादा करारा है। अब खा के बताता हूँ कैसा है, क्योंकि इतनी तारीफ सुन ली ना मैंने लोगों से, कोई 10 साल से आ रहा है, कोई 15 से आ रहा है, कोई 5 साल से आ रहा है, और कहते हैं कि जब भी हमें छोले भटूरे खाने होते हैं ना हम कहीं नहीं जाते, हम सिर्फ यहीं आते हैं अंकल के पास। एक तो इनका स्वभाव बहुत बढ़िया है और इनके जो हाथ में स्वाद है ना वो भी बहुत बढ़िया। वाह, जब भटूरे ऐसे कॉन्टिन्यूसली सीखते चले जा रहे हो, पतीला छोलों का ऑलमोस्ट 20% रह गया हो और भीड़ जो है कॉन्टिन्यूसली बढ़ती चली जा रही हो, बस आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्यों लोग इतने दीवाने होंगे। वाकई यार जो छोले भटूरे आप और हम खाते हैं ना गर्मा गर्म जो तेल से निकलते हैं उससे बहुत डिफरेंट है। बिल्कुल पतले पतले भटूरे हैं, तवे पे करारे करके आपको दिए जाते हैं, लेकिन ये बात की श्योरिटी है कि जो छोले भटूरे खाने का शौकीन है ना यहाँ पे आके सिर्फ एक भटूरे से संतुष्ट नहीं रहने वाला है। खाते जाएंगे और अकेले मत आइएगा, किसी को साथ लेके आइएगा ताकि जब भी आप आए ना तो स्वाद साथ में शेयर कर सके। वाकई यार बहुत लाजवाब स्वाद है और शायद मैं इतनी जल्दी स्वाद को भूलने वाला नहीं हूँ। ज़रूर आइए भाई, मैंने आपको बताया शक्ति नगर में नांगिया पार्क के नीचे 4 बजे से 6 बजे तक आपको ये छोले भटूरे मिलते हैं। खाइएगा भी और अंकल से थोड़ी सी गुफ्तगू भी करके जाइएगा, क्योंकि स्वाद के दीवाने असली यही है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।
तब तक खाते रहिए, खिलाते रहिए और दिल लगाते रहिए। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि स्वाद जो है ना उसका खजाना हम आप तक लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। छोले भटूरे की बाइट लेके जाइए।